असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ वो वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमको ऐसा लगता है कि सभी चीजें अपने विरोध में हो रही है, हमको हर तरफ से निराशा आती रहती है या हर तरफ से निराशा मिलती रहती है, चाहे आप एक बड़े प्रोग्रामर हैं या और कुछ है। कभी कभी आपके जीवन के उस मोड़ पर ऐसे खड़े हो जाते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। अब हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर गलत है, आपने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, या आपका कोई फैसला हो जो हो सकता है कि बहुत ही भयानक, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं वो जीवन में सफल बनने के पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं सकते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन बाद में अपनी थियोरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमजोर मानकर बैठ जाते तो क्या होता। हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि वो ऐसा करते तो आप क्या करते थे? अगर आप किसी काम में असफल भी हो गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना, क्यों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है, इसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। मुसीबतें तो हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इसी बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोते रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से या प्रॉब्लम से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रॉब्लम तो जिंदगी में आने ही आने हैं। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती है तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट कर पड़ता है। उस समय कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। जब कभी भी आपको कोई बड़ा लक्ष्य तय करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी योजना बनानी होगी। जिस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह कोई भी बड़ा काम करना है, रिस्क लेना है तो एक योजना की उसके लिए जरूरत होती है। अगर आपने रिस्क ले लिया और इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं की तो यह निश्चित है कि आप फ्यूचर में अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा। इसलिए सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप रिस्क लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लें और फिर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जी जान से टूट जाए। आपका जो भी लक्ष्य है
उसे पाने के लिए आप एक निश्चित समय बना ले और यह तय कर ले कि आपको उस समय तक अपने लक्ष्य को पा लेना है। सबसे जरूरी बात, आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए रिस्क ले तो लिया, लेकिन अगर पूरी योजना के साथ मेहनत नहीं की तो सब बेकार है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे आप कई छोटे छोटे भागों में को बांट सकते हैं। आप अपने समय का सदुपयोग करें, उसे बर्बाद ना करें। इसके बाद सफलता आपके कदम चूमेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।